गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्वेता रसोई घर। आज बना रही हूँ मीठा, मीठे में बना रही हूँ चावल की फिरनी एंड आम की फिरनी। जो दो रेसिपी है वो भी एक साथ बनाऊंगी, तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने चावल लिया है, चावल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने छोटे दाने वाले चावल लिए हैं और इसमें पानी रख दूंगी और आधा ही घंटा के लिए इसे फूलने के लिए रख दूंगी ताकि चावल अच्छे से ग्राइंड हो सके। तो यहाँ देख सकते हैं आधे घंटे बाद चावल अच्छे से फूल चुके हैं और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो इसके लिए मैंने चावल को मिक्सर में रख लिया है, चावल को दरदरा होने तक ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने चावल को दरदरा होने तक ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैंने चूल्हे पे मैंने दूध गर्म होने के लिए जला दिया है, चावल के अनुसार आप दूध लें। तो यहाँ पे मैंने चावल के अनुसार दूध लिया और इसे अच्छे से उबाल आने दूंगी, तो और इसे अच्छे से मिला लूंगी ताकि दूध अंदर से चिपके ना। दूध में उबाल आ चुका और इसे गाढ़ा होने तक दूध को अच्छे से उबालूंगी और इस तरीके से चलाते रहूंगी ताकि दूध अंदर से जले ना और दूध में अच्छे से गाढ़ापन आने दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो गया है, तो इसमें मैंने जो चावल ग्राइंड कर लिया था वो ऐड कर दूंगी। दूध में जब चावल ऐड कर दें तो इसे अच्छे से मिला लें, वरना चावल में गुलटीपन आ जाते हैं। और इसे चलाते रहें अच्छे से, फिरनी को अच्छे से मिलाना है क्योंकि चावल चिपक जाते हैं, तो इसे अच्छे से मिलाइएगा, इससे ना चावल चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिरनी गाढ़ा हो गया, तो मैंने मीठा के अनुसार चीनी ऐड कर दिया है एंड लास्ट में ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर और इसे मिला लूंगी। देख सकते हैं फिरनी बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। फिरनी जो है बहुत ही कम समय में बनती है एंड टेस्टी भी बहुत लगती है। तो अब है ना चूल्हे को ऑफ कर दूंगी और इसे मैं एक बॉल में अब निकालूंगी। तो ये हो गई चावल की फिरनी, इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, एकदम ठंडी ठंडी खाइए वो भी अच्छा लगता है एंड गर्म भी खाइए ये भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे चावल की फिरनी रेडी होगी। तो आम की फिरनी बनाऊंगी, तो मैं फिरनी को जो बचे हुए फिरनी थे उसे मैं अच्छे से ठंडे होने के लिए रख दूंगी। ठंडे होने के बाद आम के जो पल्प है वो मिक्स कर लूंगी क्योंकि मैंने आम को पहले ही ग्राइंड कर लिया था एंड जो आम के पल्प ऐड करें फिरनी को एकदम ठंडा होने दे, उसके बाद ही आम का पल्प ऐड करें। गर्म फिरनी में आम का पल्प बिल्कुल भी ऐड ना करें, इससे फिरनी फट जाती है, इसलिए फिरनी को अच्छे से ठंडा होने दें। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आया है। रेडी है आम की फिरनी एंड चावल की फिरनी, दो रेसिपी एक साथ बहुत ही आसानी से बन जाती है। फिरनी के ऊपर मैंने किशमिश ऐड किया है, आप इसकी जगह काजू या पिस्ता बादाम भी ऐड कर सकते हैं। ये फिरनी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।